एमसीडी में भी, केजरीवाल यानी एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी का बहुमत हो, इसी लक्ष्य के साथ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी और कार्यकर्ता प्रचार में जुट गए हैं। उत्तम नगर विधानसभा के आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बाल्यान ने नवादा वार्ड 114 में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी निर्मला शर्मा को वोट देने की अपील की। दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में किए जा रहे कार्यों का हवाला देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्लीवासियों के भले के लिए काम कर रही है और करती रहेगी। मिल रहे समर्थन से उत्साहित प्रत्याशी निर्मला शर्मा ने भाजपा के द्वारा किए जा रहे एमसीडी में करप्शन को खत्म करने की बात कही और भरोसा दिया कि इस बार एमसीडी में आम आदमी पार्टी का ही बहुमत होगा। मुद्दे केवल कूड़ा, जो जगह जगह ढेर लगे हुए कूड़े की गाड़ियां नहीं आती, नालियां साफ नहीं होती और भ्रष्टाचार, जो पिछले 5 साल में निगम पार्षद ने भ्रष्टाचार मचाया है। यहाँ पर एक भी मकान ऐसा नहीं है कि जो बगैर पैसे दिए बनता हो, और इन सब चीज़ों से हम लोग मुक्ति दिलाएंगे। 100% आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। 200 सीटों से 250 में से 200 सीटें आम आदमी पार्टी जीत रही है और बड़े बहुमत से हम लोग सरकार बना रहे हैं। अनुराग शर्मा, जो निर्मला शर्मा जी का लड़का है, वो इसी वार्ड नवादा वार्ड से प्रत्याशी था और दोबारा अब बलराज की मदर नवादा वार्ड से चुनाव लड़ रही है। चुनाव हमारा काफ़ी बड़ा एरिया बढ़ा दिया गया है और हम आप जनता से ये निवेदन करेंगे, एक ही प्लेटफार्म पर आपको निगम भी होगा, एक ही प्लेटफार्म पर दिल्ली सरकार भी होगी, तो काम आपका कोई सफाई का, कूड़े का, पानी का, बिजली का एक ही प्लेटफार्म पर होगा। देखो जी, हम ना काम के नाम पर केजरीवाल जी ने वोट मांगा, घूम तारा जो भी काम हमारी सरकार से, विधायक नरेश बाल्यान से, बड़े भाई विकास यादव की मदद से जो भी काम हम लोगों कर सके, जैसे फ्री मेहंदी कैंप हो, सीवर साफ कराने का काम हो, निगम पार्षद का जो भी काम है, नाली साफ कराने का काम हो, कोरोना में सैनिटाइज का काम हो, डेंगू मलेरिया की जो भी छिड़काव हो दवाइयों का, वो सब हमने प्रयास, जितना हमसे हुआ उतना प्रयास हमने किया। विधायक के साथ साथ निगम पार्षद के कार्यों को भी हमने करने का प्रयास किया और किए भी हैं। आम आदमी पार्टी ने मुझे टिकट दिया है, आप सभी लोग मुझे अपना कीमती वोट दें और विजयी बनाएं। आपकी जो भी समस्या है सब दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। एक बार मौका देगा तो देखें, हम आपके सामने झोली फैलाकर वोट मांग रहे हैं।